हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में गाइस हम प्रोनाउन का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे HTAT PGT कंप्यूटर साइंस स्क्रीनिंग का कोर्स चलाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी बच्चे ने घर बैठे तैयारी करनी है विदाउट कोई रुपए खर्च किए हुए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक मैं यहाँ पर करवाऊंगी आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने स्टार्ट किया है इट। इट के प्रोनाउन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्रोनाउन का ही एक पार्ट है इट, आई टी इट। देखो इट, यूज ऑफ इट। इट किसका पार्ट है? प्रोनाउन का पार्ट है। इट कहाँ का यूज होता है और क्या यूज होता है, यूज ऑफ इट का हम पढ़ने वाले हैं। देखो रूल नंबर वन, इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स के साथ, जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ आपका इट यूज होता है। ओके, जैसे कोई कंट्री का नेम हुआ, सिटी का नेम। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज सुपर पावर। ओके, अब इसमें कभी हम दे यूज करते हैं, कभी इट यूज करते हैं। इट हमेशा सिंगुलर फॉर्म वालों के साथ यूज होगा। दे की फॉर्म, दे इट का ही फॉर्म है, लेकिन दे प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होता है। दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। थर्ड रूल देखिए, जैसे दे का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप श्रीलंका एंड पाकिस्तान आज डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। ओके, रोल नंबर देखिए इसमें गाइस, इट इज यूज टू डिनोट टाइम, वेदर, टेम्परेचर। फिफ्थ रूल देखिए, इट इज यूज इन ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट टू एम्फेसाइज द नाउन और द प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक। ओके, रूल नंबर सिक्स, इट इज यूज टू इंट्रोडक्शन ए फेस क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टूडे इज प्रोहिबल। रूल नंबर सिक्स का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे आपका सिक्स का कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई रूल आपको ब्रेक करना है। जैसे इसका सेंटेंस है दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टूडे इज प्रोहिबल। तो इसमें इट इज प्रोहिबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टूडे, तो ये टूडे तक का ये क्या है, ये एक फेसिस है, इसके साथ हम इट यूज कर सकते हैं। सेवन नंबर है इसका, इट इज प्रोहिबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टूडे, ये इसका ही एक एग्जाम्पल है। सेवन नंबर कोई रूल नहीं है। इट या यूज होता है, ऐसे ऐसे यूज होता है। इट बस ओनली आप सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हो। इट देखो, दैट और इट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन दैट एंड इट मैं बता देती हूँ। दिस इज यूज टू पॉइंट आउट टूवर्ड्स। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन और ए थिंग, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पर्सन, और व्हेन द सिंगुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन इज प्लेस एट ए नियर डिस्टेंस और ए सिंगुलर नाउन। Here it will not come. जैसे this is book, this is pen, this is Rohan, my cousin. Okay, the same my cousin brother, my cousin sister, ये wrong होगा। Only आप बोलोगे this is Rohan, then this is Aman, and then my cousin brother. Okay, अब next है it denote distance, time, weather. It मैंने आपको बता दिया distance, time, weather denote करता है। This is not used for such purpose. जैसे it is 10 o'clock, it is winter, मैंने अभी इससे पहले बताया है। ए नाउन कैन बी यूज आफ्टर दिस, जिसके बाद आप नाउन यूज करोगे। जैसे दिस इज बुक, दिस इज पेन। इट इज प्रोनाउन एंड हैंस ए नाउन कैन नॉट बी यूज आफ्टर इट, एज प्रोनाउन और नाउन कैन नॉट कम टूगेदर। समझ में आया? इट इज बुक इज माई, ये गलत होगा। ऐसे कैसे लिखोगे आप? इट इज माई बुक। ओके, इट इज माई बुक, इट इज बुक माई, ये गलत होगा। इट इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन, ओनली सिंगुलर नाउन में यूज होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में यूज होगा। जैसे
बॉडी इज क्यूट बट इट इज क्राइंग ए लॉट। ओके, इस तरह से आप यूज करते हो।